हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में आई हुई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी अगर हम देखें तो ये आया हुआ है आपका ऑफिस ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज बेंगलुरु के द्वारा, और इसमें जो पोस्ट है उसका नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, और ये ऑर्डनरी ग्रेड के लिए ये पोस्ट आया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम है 27 ईयर्स, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको 10th पास होना जरूरी है, इसके साथ साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और आपको नॉलेज किसका होना चाहिए तो मोटर मैकेनिज्म का आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल। इसका मतलब आप दोनों टाइप के हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल को आपको चलाने आना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना सारा सर्टिफिकेट अटैच करके, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच करके आपको इसमें सेंड करना है। देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद स्किल टेस्ट के बेस पर, अब यहाँ पे स्किल टेस्ट क्या होगा, सो स्किल टेस्ट मतलब आपका ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, और अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर कर दिया जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको जो सैलरी प्रोवाइड होगी, वो सैलरी अगर हम देखें तो वो होगा 19,900 रुपीस पर मंथ। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड होगा, आपको अदर जो बेनिफिट होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो सारी सुविधाएं भी आपको साथ ही साथ दी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब जो होता है उसका जो बार बार उसका मौका नहीं मिलता, तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। और ध्यान दीजिएगा आपका जो एप्लीकेशन है वो कब तक पहुंच जाना चाहिए, सो वो पहुंच जाना चाहिए 26 सितंबर 2022 तक, इस डेट तक आपका ये एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए उस संस्था में। तो देखिए इसे मिस मत कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विथ सेम लोगो। थैंक यू।